वीडियो है टीवी है आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर दिस इन अमाउंट ऑफ द यूसेज दैट इज देयर सेकंड पॉइंट एक्सटेंट ऑफ यूसेज आल्सो एसी भी जो हम चलाते हैं फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली अपने हॉस्पिटल अपने ऑफिस में hmm. वहाँ पर एसी हम बहुत ही तेजी में तेजी में चलाते हैं 16, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाएंगे hmm. घर में उतना, उतना <laughs> तो और, और, और सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात बोली पेपर की बट hmm. कहीं मशीन पेपर इज देन द मशीन इन टर्म्स ऑफ इमीजिएट रिस्पॉन्स अगर मुझे इमीजिएट रिस्पॉन्स चाहिए किसी भी चीज का hmm. वो मैं पेपर से ज्यादा आसानी से दे सकता हूँ ना कि एक कंप्यूटर चला के एक लैपटॉप चला के उसको ऑन करके उसको समझ के उसको करके तुम तो कोई जरूरी नहीं है इसका बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए बैलेंस एक एजुकेटेड बैलेंस होना चाहिए एक साइंटिफिक बैलेंस होना चाहिए हर चीज की अपनी जगह है आज हर टेबल पर साठ हजार रुपए का एक कंप्यूटर है सुबह शाम ऑन है किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है पहले एक टाइपराइटर होता था उसमें करेक्शन वो वहीं पर कर देता था प्रिंट होने के पहले कागज आज कंप्यूटर पे प्रिंट आउट होता है सेव हुआ नहीं सेव हुआ प्रिंट आउट हुआ एक साथ दो हजार कागज निकल गया प्रिंट होकर इट्स अ ह्यूज वेस्टेज उसमें अब क्या हो गया कि दो चीजें रखनी जरूरी हो गई हैं एक बैकअप जो कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक हो और एक रेडी जो कि फाइल इन रेफरेंस सो इट इज बिकम अ डबल एक्सपेंस तो कहीं पर हमको उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा क्या कहना चाहेंगे आप इस पर नो no, मैं सोच रही थी कि ओके okay, टेक्नोलॉजी लॉट ऑफ़ पावर इज वेस्टेड बट इंडियंस के एटीट्यूड में एक स्टैटस सिम्बल भी हो गया है जैसे आप कोई शादी में जाइए इतने सारे मल्टी कलर्ड लाइट्स होते हैं पूरा गार्डन पूरा बगीचा पूरा घर पूरा ट्वेंटी फोर आवर्स पावर वेस्ट होता है इट्स इज मोर जैसे कि प्रूव करना चाहते हैं मैं मेरे नेबर से अच्छा शादी मैंने मैनेज किया।, uh, uh, किया है आई फील वो एटीट्यूड जरा बदल कर सकते हैं कि वाई वेस्ट सो मच ऑफ मनी जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट जस्ट टू शो ऑफ हमारे जितने भी ये खुशी के त्यौहार होते, हैं, होते हैं जैसे शादी हो गई ये हम पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं yes. नाचते भी सड़क पे हैं ठीक है किसी विश्व में किसी भी देश में सड़कों पे लोग नहीं नाचते लोग बॉलरूम में नाचते हाँ लेकिन हम सड़क पे नाचते हैं और सड़क पे ट्रैफिक को, ट्राफ, को रोकते हैं और सड़क पे ही खर्चा वहां पर 500, 500 हजार हजार रुपए के नोट चढ़ाए जा रहे हैं और वो गरीब आदमी देख रहा है कि देखिए ये क्या इट्स रियली really, हमारे सोसाइटी को हमें सोचना चाहिए शो ऑफ बहुत हो गया बहुत हम अपने त्योहार घर में ले जाए उसमें बिजली की भी बच, बचत होगी ट्रैफिक भी अच्छा चलेगा और हम अपना दौलत का भौना प्रदर्शन नहीं करेंगे हुँ. उन लोगों के पास जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं और है। खाने जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कितना फूड वेस्ट होता है hmm. आजकल बहुत एन है उनको एक बार फोन करो वे आके ये खाना लेके गरीबों को गता है इफ़ यू गो आफ्टर अ मैरिज बैक साइड में देखो गार्बेज में इतना इतना खाना कभी हम माय हार्ट ब्रेक सम्स व्हाई कान दिस फूड गो टू सम नो कॉल अप सम पुअर पीपल गिव इट टू देम मेरा इस पर यह विचार है निर्दयता तो कहीं भी अच्छी नहीं लगती और भोंडा किसी चीज़ का भी प्रदर्शन चाहे वो दौलत का हो चाहे वो संस्कार का हो चाहे वो त्यौहार का हो अच्छा नहीं है इसका ये मतलब मैं नहीं कहना चाहता कि लोग अपना शादी ब्याह इंजॉय ना करें या अपने त्यौहार घर में ले जाएं। त्यौहार एक ऐसी चीज़ है जो एक सामाजिक चीज़ है वो ज़रूर समाज में समाज संयोजन के लिए समाज को विकास करने के लिए समाज को दुरुस्त करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होनी चाहिए मैं चाहता हूँ कि ये सशक्त सक्षम सड़क पर आए और इससे भाई बंधुवर बढ़ता है इससे पीस बढ़ता है इससे एनिमोसिटी बढ़ती है इससे पड़ोस अड़ोस पड़ोस की दुश्मनी हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब घट सकता है ये सब खत्म हो सकता है ना जाने मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर खर्च होते हैं शैलेश जी दैट इफ डन इन द राइट वे इट्स अ ग्रेट बॉन्डिंग कैन बी अ ग्रेट बॉन्डिंग बट

उन लोगों के सामने नहीं दिखानी चाहिए नहीं। जो आपसे बहुत कम दौलतमंद और बहुत कम सक्सेसफुल हैं। ग्रीस में जो बहुत ज्यादा दौलतमंद या सक्सेसफुल हो जाता था दो हजार साल पहले उसको बनवास दे देते थे क्यों देते थे बनवास क्योंकि नहीं। उसके पास इतनी दौलत आ गई कि वो दूसरों को अब कुंठित महसूस करेगा कराएगा और फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि अगर आप सक्सेसफुल और रिच हो hmm. तो थोड़ा बांटो और थोड़ा सा यह भी बोलो कि ये जो सक्सेस आ रही है इसके कारण hmm. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है अगर हम बांटेंगे नहीं तो हम कहीं पर नजरअंदाज कर रहे हैं उस आदमी की पीड़ा एवरी रिलीजन इन दिस वर्ल्ड इस्लाम हो क्रिश्चियनिटी हो हिंदुइज्म मुस्लिम फ्रेंड ऑफ माइंड वॉज ऑब्जर्विंग मी इन इस्लाम इट इज सेड फिट्टी परसेंट ऑफ योर वेल्थ शुड बी दुअल

वर्ल्ड बैंक के भी प्रेसिडेंट जब आए थे चेयरमैन जब आए थे रिसेंटली तो उन्होंने बोला कि अब हम इंडिया को एड देने नहीं आए हैं उनसे एड लेने आए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि एड जो दे सकते हैं इंडिया में वो तो सिर्फ पाँच या दस परसेंट है नब्बे परसेंट तो लोग वही हैं जिनको एड की जरूरत है तो उनको हम उनके साथ थोड़ा बांटना क्यों ना शुरू करें तो जिससे आपसी सद्भाव रियली बढ़े ठीक बात है ठीक बात है बहुत ठीक है मगर उसमें पॉइंट यहीं पर आता वन प्लस तो हम लोगों के यहाँ भी है वन तो हमारे यहाँ आश्रमों में भी है कि जाया जाता तो ग्रीस की बात नहीं मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हम त्योहार करते हैं एक धागा ये लेते हैं राखी का तो ये धागे से जब मैं खरीदने जाता हूँ तो किसी ना किसी का जो एम्प्लॉयमेंट है जो स्किल है वो यूज हुआ है अगर कल को मैं ये धागा ना लेने जाऊं ये लाइट ना लेने जाऊं ये बर्फी ना लेने जाऊं ये सब चीज़ें ना करूं तो इट इज़ समेयर द एम्प्लॉयबिलिटी एंड द स्किल ऑफ दैट हमारी एक कॉटेज इंडस्ट्री थी एक हथकरघा इंडस्ट्री थी आज वही चीज़ हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर हम यूनिक गए या कहीं गए वहां पर दिखता और हम कहते हैं अरे बाप रे बीस यूरो का है मैं बीस पैसे में भी नहीं खरीदता उसको मगर यह है रियालिटी वेस्टेज अपनी जगह है बैलेंस बनाना जरूरी है मैं नहीं चाहता एक मैसेज यह जाए कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं पर एंटरटेनमेंट खत्म हो जाए कहीं पर इंजॉयमेंट खत्म हो जाए कहीं पर स्किल और डेवलपमेंट के फेज को नेगेटिव नहीं करना चाहता हूं मैं उसका एक बहुत अच्छा एजुकेटेड साइंटिफिक बैलेंस निकालना कहीं भी उसका मिसयूज करना मैं उसको ठीक नहीं समझ आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इससे कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह को फिलिप मिलती है मैं उसी कॉटेज इंडस्ट्री को और फिलिप देने की बात कर रहा हूँ अगर आप अपने बारातियों में समोसे बैठ रहे हैं तो समोसे जरा आसपास जो चल रहे हैं लाइट्स लेके उनको भी दे दें और अगर उनके पीछे को दो चार बच्चे आ गए हैं जो गरीब हैं उनको भी नहीं। दे दें दे, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री और बढ़ेगी आपका त्योहार में और रंग आएगा अगला प्रश्न ऑयल में कंजर्वेशन के क्या है पॉइंट मेरा जो रनिंग है गाड़ी का आइडलिंग वेहिकल आइडलिंग ऑफ वेहीकल्स मेरा ऑयल का कंजम्पशन बहुत है टू रुपीज पर लीटर टू रुपीज पर लीटर गोज इन टू द रोड मेंटेनेंस एवरी लीटर लीटर दैट दैट यू स्पेंड पर से इन द डीजल ऑल्सो गोज टू द गवर्नमेंट फॉर रोड मेंटेनेंस अगर एक लाख गाड़ी उधर से निकला एक लाख गाड़ी ने एक लाख लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया और यहां पर वन थर्ड प्रोडक्शन उसका दो रुपए उनके पास गया और वो दो रुपए मतलब एक लाख दो लाख रुपए मुझे रोज उस सड़क पर मेंटेन होते उस किलोमीटर के हिसाब से नहीं दिखते नहीं, नहीं दिखते तो एक तो हो गया आइडलिंग hmm. इसके अलावा ऑयल की और किस तरह से मी पर्सनली आई फील सम ऑफ द बिगेस्ट इकोलॉजिकल डैमेजेस इन दिस वर्ल्ड हैव बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ऑयल आपने रिसेंटली भी देखा एक शिप, शिप stranded, का देखा स्टैंडर्ड ओवर ऑयल फायर्स हो रही oil है ऑयल फायर्स यू नो द कितने ये मरीन लाइफ जो होते हैं हमारे अर्थ के सस्टेनेंस के लिए मरीन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है द सी इज वॉट एक्चुअली अर्थ परसेंट ऑफ आर मरीन लाइफ हैज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ऑफ लीकेज ऑयल फ्रॉम वेरियस ऑल ओवर द वर्ल्ड सो हमारा रिलीजन हमारे संस्कार हमारे जितने भी वेद वगैरह हैं ये कहते हैं कंजर्व करो hmm. वेस्ट नहीं करो hmm, hmm. हमारी रिलीजियस प्लेसेस place, के बारे में क्या ख्याल है आपका आई पर्सनली फील इंग्लिश में एक कहावत है क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस जहां भगवान है वहां एकदम साफ होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रिलीजियस uh, प्लेसेस में आप जाइए मेनी ऑफ देम आर नॉट केप्ट क्लीन एट ऑल हम लोग इतने फूल लेके जाते हैं इतना कैंपस अगरबत्ती ऑयल सब लेके जाते वो टेंपल के पीछे जाइए ये सब पूरा जगह इतने इतने गार्डन्स रहते हैं वो सॉर्ट ऑफ रोटिंग हो जाता है हम ऑयल्स जो देते हैं मेरे ख्याल भगवान आपको ब्लेस करेगा कि मेरा जगह थोड़ा साफ रखो उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगा हम लोग इतने इतने चीज़ें इन टेम्पल्स में ले जाए इंस्टेंट आप जाकर वो टेम्पल को साफ करो उससे आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगा लॉट ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी मेटीरियल इज गॉन इन द गॉड एंड एक्चुअली पोल्यूटिंग द्लेस एंड सो मच ऑफ इट रियली बैड एंड शुड रियलीटेड एंड थिंक वी शुड नॉट वेस्ट मनी वैन वी आर एन ऑल आर स्क्रिप्चर्स आर टीचिंग अभी आते हैं प्रश्नों पर जो हम वेस्टेज की बात कर रहे थे पेपर और इलेक्ट्रॉनिक तो uh, मेरा इस पर सवाल है कि हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशन थे जैसे पहले स्लेट और चौक यूज़ होता था हम उसे क्यों नहीं रिवाइव करते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डिस्पोज करना मुश्किल होता है और पेपर के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं चौक और बोर्ड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट मैं खुद चौक और बोर्ड से बड़ा हुआ हूं और मेरे को नहीं लगता कि कोई कंप्यूटर चलाने वाला उस बात में सीखा मेरे से बेहतर है क्योंकि कंप्यूटर चला है या ये है ऐसी कोई बात नहीं जो चीज़ चौक और बोर्ड से मैंने सीखी है हाँ। वो अपनी जगह बहुत दुरुस्त है बहुत सही है उससे टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है लोग पेड़ के नीचे बैठ कर विद्यादान करते थे और आज भी होनी चाहिए एक लोग यूनिवर्सिटी का है इट्स अ वेस्टेज इतना टैलेंट बनता है इतना टैलेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा पाता क्योंकि उसके इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं है ये वेस्टेज ऑफ माय टोटल एजुकेशन सिस्टम है सॉरी मैं ऑफ द पॉइंट जा रहा हूँ बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि उसने टेस्ट पास किया अगर उसने एग्जाम पास कर लिया उसको आगे पढ़ने का हर चीज में हक है परसेंटेज और नो परसेंटेज उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए hmm. और उसके लिए एक बरगद के पेड़ एक पीपल के पेड़ के नीचे लिख दो तो, ये यूनिवर्सिटी है और उसको पढ़ाओ आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट मैं भी हमेशा सोचती हूँ मैं भी जब छोटी थी मैंने a, B, C, D, आ, 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 ए बी सी डी और मलयालम में ई मैंने स्लेट में सीखा एक छोटी सी पाठशाला में मेरे घर के नज़दीक और आज भी जब मैं एक स्लेट और चौक देखती हूँ और एक बोर्ड देखती हूँ जहाँ टीचर्स चौक से लिखती है मुझे इतना इतनाजिक होता है और मैं सोचती हूँ क्यों हमने ये कल्चर छोड़ दिया इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट आई रियली विश वी गो बैक टू दैट कल्चर ऑफ चौक एंड चौक एंड बोर्ड मेरी ये फीलिंग है हुँ. कि स्लेट और चौक एक बहुत अच्छी चीज़ है कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑल्सो हैंड राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आजकल के बच्चे हैंड राइटिंग नहीं कर रहे mm. वो हैंड राइटिंग भूलते जा रहे हैं शायद आने वाली पीढ़ी अपना सिग्नेचर भी नहीं कर पाएगी वो डिजिटल सिग्नेचर डाला करी एंटर ओके लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि स्लेट और चौक जो बहुत सारी नॉलेज uh, को पकड़ लेती थी पहले अब उस सारी नॉलेज को नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि स्लेट और चौक भी लिमिटेशन है फिजिकल लिमिटेशन है क्योंकि टेक्नोलॉजी बाकी एरिया में विकसित होकर उसने स्लेट और चौक, चौक के आगे निकल गई लेकिन कुछ एरिया में स्लेट और चौक आज भी रेलवेंट है जरूर हमें ये लानी चाहिए जैसे आजकल डेवलपमेंट है इंडस्ट्री में हम लोग नए नए अप्लायसेज यूज कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि जो एनर्जी फाइव स्टार एनर्जी लेवल एफिशियंसी का जो अप्लायंसिस है जिसमें अगर हम यूज करेंगे उसको तो ट्वेंटी परसेंट जो है उसका खपत जो है कम रहेगा और उसका कंज़र्वेशन आप उसको जैसे अभी आपने बात किया बैकअप का तो एज अ फॉर्म ऑफ बैकअप लेके उसको हम यूज़ करेंगे जो कहीं ना कहीं उसका अवेयरनेस वो नहीं है जिस माध्यम से हम बात करना चाह रहे हैं ऊर्जा संरक्षण की और दूसरा जो अभी जैसे पी सी आर ए एक गवर्नमेंट की कंजरवे कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव जहाँ कैंपेन चल रहा है उनका और वो अपना जितने भी सरकारी माध्यम है उनसे बताए बता रहे हैं तो मैं समझता हूँ जहाँ मीडिया मीडिया इतना सशक्त है आज उसका प्रभाव आदमी पर इतना ज़्यादा है तो उसको और उसका स्प्रेडिंग के, करें बहुत सही बात है पावर कंजर्वेशन का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीडिया प्रोपगेशन होना चाहिए और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मगर जो उनकी बात है कि यंग मैन की कि ये चीज़ हम लोगों को और ज़्यादा अलग मीडिया के थ्रू जो यूज़र्स हैं उन तक पहुंचनी चाहिए जिससे करेक्टिव एक्शन हो सके जिससे अवेयरनेस एक्शन हो सके जिससे इम्प्लीमेंटेशन एक्शन हो सके वो बिल्कुल दुरुस्त बात है होनी चाहिए ज़रूर होना चाहिए और मेरी ये भी फीलिंग है बहुत कैची और अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स होने चाहिए इन चीज़ों पे एंड डेफिनेटली इसमें सारे मीडिया का यूज़ होना चाहिए मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं सरकार कह रही है कि बिजली बचाओ और उसी उसी टाइम पर सरकार फ्री में बिजली बांट रही है या फिर बिजली बहुत सस्ते दामों पर गांव में लोगों को दे रही है तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या जिसको वो बिजली शहर में जिसको वो बिजली बहुत महंगे दामों पर मिल रही है और गांव में वही बिजली सस्ते दामों पर मुहैया कराई जा रही है तो क्या वो व्यक्ति जिसको वो मुफ्त में मिल रही है वो उसका वो उसको व्यर्थ नहीं करेगा उसको वेस्ट नहीं करेगा आपका जो आपने जो कहा है बहुत सही है लेकिन जब हम उनको देते हैं ना उनको ये मैसेज भी देना पड़ेगा कि ये बिजली बहुत कीमती है यूज इट केयरफुल जो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कंट्री का वो जरूरी कई लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है कई कई साल नहीं पहुंची है उनके पास पहुंचानी मुहैया करनी जरूरी है क्योंकि उनका डेवलपमेंट भी ज़रूरी है देश का अकेला केवल दिल्ली से डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो वो जरूरी है मगर उनका एजुकेशन अगेन बात एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाती है मैं तीन बात कह रहा हूँ इंजीनियरिंग एजुकेशन जो उस एन उसका जो एनफोर्समेंट है वो तीनों रोल ट्रायंगल हैं ऊर्जा संरक्षण के वो ट्रायंगल हम लोगों को पूरी तरह बनाने चाहिए और उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करने चाहिए एक प्रोग्राम लगाना चाहिए एक रिफ्रेशर लगाना चाहिए फिर रिफ्रेशर का रिफ्रेशर लगाना चाहिए क्योंकि तभी हो पाएगा बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला इंजीनियरिंग एन्फोर्समेंट और एजुकेशन हमारे बार में भी यही बार बार पॉइंट उठ के आ रहा है हमारे शोज में और व्यूअर्स uh, के साथ भी जब बात होती है हमारी कि अगर हमें सिविक सेंस या सिविक लिविंग इम्प्रूव करनी है hmm. तो इंजीनियरिंग मतलब pro, आप ऑब्जेक्ट्स लाइए रिसोर्सिस लाइए गार्बेज कैंस लाइए इस तरह की चीजें लाइए इन्फोर्समेंट लॉ लाइए और एजुकेशन लाइए इन एडिशन टू दिस आई फील दैट एजुकेशन नॉट जस्ट प्लेन एजुकेशन बट एडुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड

क्या इसके लिए वो कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं या फोर्सफुली अगर एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा तो क्या गवर्नमेंट कोई फोर्सफुली उनके ऊपर ऐसा कुछ लगा कि लिमिटेड बिजली या लिमिटेड सप्लाई पानी की उन्हें दे ताकि वो वेस्टेज ना कर सकें तो ऐसा कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम ऐसे कोई इनिशिएटिव ले रही है या उनका ऐसा कोई सुझाव है आम आदमी के लिए कि आम आदमी बिजली बचा सके हम सी में क्या क्या किया है इट्स डेवलपमेंट ऑफ नेशनल रिसाइकलिंग प्रोग्राम सी Is presently working with the planning commission, government of India, to prepare the 12th 5-year plan for this. Green manufacturing is one of the key areas. Suggestion to make waste management and recycling sector as an organized sector in India. Develop a roadmap for India on recycle, reuse, recovery techniques, and there are four focus major focus areas: developing structured framework and guidelines for recycling showcasing international best practices enhancement of co-processing waste exchange activities promotion of organized recyclers association one of our main points is from waste to wealth How waste kokase wealth banasakta Factories में केमिकल्स होते हैं जैसे घर में जो वेस्ट होता है इसको सब रिसाइकल इसको सब करके कैसे वेल्थ बना सकता है? दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट सी आई आई इज वर्किंग सी आई आई और इस तरह की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस एरिया में काम कर रही हैं। uh, जिस तरीके से पेरेंट्स होती है उनकी बच्चों की अपग्रोइंग पे भी वेस्टेज का बहुत फ़र्क पड़ता है लाइक like पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं देते हैं वो कहीं सड़क पे फेंक रहे हैं तो वो टोकते नहीं हैं तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है कई बार अगर हम टोकेंगे नहीं तो उनको समझ नहीं आएगा लाइक like हम ट्रैफिक uh, सिग्नल uh, होता है वहाँ पे ऑन रहता है इंजन तो ऑयल वेस्ट हो रहा है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो ग्रोइंग एज से एक, uh, किसी बच्चे को उनके पेरेंट्स के थ्रू उनके फैमिली के थ्रू पता चलनी चाहिए सो वॉट आर द लाइक बेसिक चीज़ें ऐसी कौन सी हो सकती है जो एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरीके से वेस्टेज के अगेंस्ट रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं पहला पॉइंट जो सिखाना चाहिए वो सिखाना चाहिए हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे कि पानी चलता ही नहीं छोड़ो जब थोड़े से बड़े हो जाओगे शेव करोगे तो भी पानी चलते ही नहीं छोड़ना है पानी को रिसाइकिल करना है एट्सेट्रा दूसरा हमें सिखाना चाहिए ऑयल कंजर्वेशन पे कि जब आप गाड़ी यूज कर रहे हो और अगर किसी रेड लाइट पे दो मिनट के लिए रुकने वाले हो तो इंजन स्विच ऑफ करो वगैरह तीसरा हमें सिखाना चाहिए यूटिलिटीज कंजर्वेशन पे पेपर कंजर्वेशन एक्सेट्रा बिकॉज फाइनली मनी सेव्ड इज मनी अर्नड और हमारा देश जितना अगर रियली प्र, प्रगतिशील बनना चाहता है रियली really प्रोस्पर बनना चाहता है hmm. तो सिर्फ उसको प्रॉफिट कमाना नहीं है उसको पैसे बचा कर भी प्रॉफिट कमाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना माइंड सेट एटीट्यूड सीखना है देखो बेटा बड़ा गाड़ी चलाने से तुम बड़ा नहीं आदमी नहीं बनता है बड़ा फ्लैशी क्लोथ्स पहनने से और पेट्रोल स्पीड से गाड़ी चलाने से तुम बड़ा आदमी नहीं बनता फ्लैशी वेडिंग्स में जाके शो ऑफ करने से तुम बड़ा आदमी नहीं बनता यू टीच द चाइल्ड राइट फ्रॉम द टाइम ही इज दैट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इज मोर टू बी अ शो ऑफ एंड टू वेस्ट मनी बाय बीइंग अ शो ऑफ यू आर नॉट बिकमिंग अ बेटर पर्सन बड़ी गाड़ी से बड़े आदमी नहीं बनते बड़ी शादी अटेंड करने से बड़े आदमी नहीं बनते बड़ी पार्टी में जाने से बड़े आदमी नहीं बनते बड़ी सोच से बड़े आदमी बनते तो कोशिश यह करेंगे कि बड़ी सोच करें अपने लिए अपने लोगों के लिए अपने देश के लिए अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए जय हिंद जय जय हिंद, जाए हिंद। यार, मुकेश बन गया मेरे ख्याल से जो गाना अभी आपने जिक्र किया है मैं जहां तक मैं मानता हूं संगीत के हिसाब से यह गाना सबसे टफ नहीं है गाना काफी मुश्किल है यह गाना आप क्या समझते हैं इसके ऊपर काफी काफी डिफिकल्ट सॉन्ग्स भी हैं मुकेश के बारे में लोग कहते थे कि उनकी रेंज नहीं है मगर अगर देखा जाए तो उनकी रेंज काफी थी उसकी एक सबसे बढ़िया झलक जो मुकेश के सबसे बेहतरीन गानों में एक गा, माना जाता है वो है मेरा नाम जोकर का गाना जी हाँ जी हाँ मेरे ख्याल से इस गाने को गाकर उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ दिया था कि मेरी रेंज नहीं है जी आज भी मुझे नहीं लगता कि इस गाने को लोग बहुत आ, गा सकते हैं मेरा नाम जोकर का जो गाना है आ, जाने कहाँ गए कहा गए दिन जाने कहाँ गए वो दिन, वो दिन? दिन के अंदर अगर आप देखें उस गाने को तो उसमें बहुत हाई पिच पर भी लेके और फिर बिल्कुल एक ही स्थाई और एक ही अंतरा अंतरा में खास से आज भी मैं अगर कभी स्टेज पे इसको गाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी साथ एक बात कि आप मुकेश जी को इतना लाइक करते हैं इतना पसंद करते हैं इसका मतलब उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे तो मुकेश जी अपने आप में कैसे इंसान थे मेरे ख्याल से पुराने जितने लोग थे उन एक खासियत थी कि बहुत अच्छे इंसान हुआ ये लोग इनको गायों गायक की तरह से देखते हैं लोग स्टार्स uh, की तरह देखते हैं सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं मगर इनकी एक सबसे बड़ी कॉमन तो चीज़ थी शायद ये रफ़ी साहब में भी थी शोदा में भी थी और मुकेश में भी थी, वो थी इनकी सादगी जी इनकी इनकी अदायगी इनकी जो लोगों से मिलनसार इनसे बात मतलब क्योंकि ये लोग सब ज़मीन से उठ के लोग हैं